ये देखिए, नोड की LCD हमारे एक भाई ने भेजी है कुरियर से। उसका नंबर वंबर ये है और यहाँ से उसका पत्ता कट गया यहाँ से। तो ये पत्ता बना के अब इसका वीडियो बना के भेजेंगे। वो भाई की डिमांड है, जो है सभ्यान भाई है, उसकी डिमांड है सभ्यान भाई की कि मेरा जो डिस्प्ले है उसका वीडियो बना के आप यूट्यूब पर डालो। तो उसकी डिमांड पे, कस्टमर की एक डिमांड पूरी करने के लिए ये वीडियो बना रहा है। ये देखिए नोड है, नोड का यहाँ से कनेक्टर कटा हुआ है, तो ये कनेक्टर यहाँ पे रखा हुआ है। और ये कस्टमर की डिमांड थी कि मेरा वीडियो बनाना नोड का, तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ वीडियो। ये कस्टमर डिमांड पे वीडियो डाल रहा हूँ। तो देखिए अब इसका पंच करके चेक कराएंगे, जो नाम आपको दिखाया वही नाम से LCD वापस आपको ओके करके चेक कराएंगे। ओके, अब ये लगा रहे हैं, ट्रैक मिला रहा है। ये देखो ट्रैक मिला रहा है। ट्रैक मिलाने के बाद उसको पंच करेंगे। ये देखो ट्रैक ऑलमोस्ट मिल चुके हैं। ये देखो ट्रैक ऑलमोस्ट मिल गए हैं, ये भी मिल गए हैं, हेड पे LCD है, अभी पंच कर रहे हैं। पंचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखो हेड डाउन किया है, अभी इसको मशीन को टेम्परेचर देंगे। अभी टेम्परेचर चलने लगा, पंचिंग हो रहा। अभी पंच जब हो जाएगा तो LCD आपको तुरंत अभी का अभी चेक कराएंगे कि LCD खराब थी, मतलब इलेक्ट्रोकटिव LCD बन गई क्या, परफेक्ट बन जाएगी। ये देखिए अभी ट्रैक मिल गया और पंचिंग भी हो गया। तो हेड से LCD लिया, अभी इसको चेक कराएंगे और उसके पीछे में जो कस्टमर की साइन है वो भी दिखाएंगे वापस। ये देखिए LCD आ गई है, पर मतलब अभी बैटरी लो है, फोन का बैटरी लो है, ग्राफिक्स आ गया। ये देखिए ग्राफिक्स आ चुका है, बैटरी लो है, अभी बैटरी चार्ज करके भी वापस चेक कराएंगे। पीछे में देखिए नाम नंबर वही है, और अभी थोड़ा बैटरी चार्ज करके वापस चेक कराएंगे। और टच का पत्ता भी उसमें LCD पत्ते में लगाने का है, ये पत्ता पीछे में LCD पत्ते में बॉन्ड होगा, तो वो भी करके दिखाएंगे, फिर टच के साथ में चेक कराएंगे इसे। अभी टच के ट्रैक लगा रहे हैं, जो टच का पत्ता LCD पत्ते में लगता है ना वहाँ पे, तो वो लगा के अभी टच चेक कराएंगे। ये देखिए ट्रैक मिला रहे हैं, ये वाले LCD पे भी दिखा देता हूँ। ये ट्रैक ऑलमोस्ट मिल गया उसके, अभी उसको पंच कर देंगे। अभी ए टच पंच कर रहे हैं, कर दो। ये टेम्परेचर जा रहा, पंचिंग हो रहा, टच का पत्ता LCD पत्ते में पंच कर रहे हैं। तो ये पंच हो जाएगा, तुरंत आपको टच चेक करवाएगा LCD के साथ में। ये देखो पंचिंग हो गया है, अभी बोर्ड भी चार्ज हो गया होगा, तो चेक करा दो। ये देखिए वही LCD है जिस पे नाम लिखा था और कस्टमर का साइन है, और हमारे भाई ने बाइक कुरियर भेजी है हमें रिपेयर करने के लिए। ये देखो LCD आ गई है प्रॉपर, अभी टच भी चेक कर लेंगे। तो उनका जो खर्चा था वो खर्चा बच गया कस्टमर का, और बहुत ही कम रेट पे उसका LCD रिपेयर हो गया। तो वन प्लस की LCD को वापस लाइफ मिल गई, वापस ज़िंदगी मिल गई उसको। अभी टच चेक कराएंगे, टच चेक करने में पता चल जाएगा। देखो टच चल रही है,
इमरजेंसी पे दिखा दो, क्योंकि पासवर्ड तो कस्टमर सर ने लिया नहीं है। एक किसी की प्राइवेसी होती है तो पासवर्ड हमें नहीं मांगा। ये देखिए अभी ब्राइटनेस चेक कराएंगे, ब्राइटनेस तो इसमें नहीं हो पाएगी क्योंकि डायरेक्ट पासवर्ड मांग रहा है। तो ये एकदम ओके हो गया एलसीडी, ओके ओके डन। ये देखिए वही है नाम नंबर, ऐसा नहीं है कि किसी और की एलसीडी किसी और को दिखा रहे हैं, एलसीडी ओके हो गई एकदम, ओके डन।